अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इनफालिक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। नाज़रीन, आप सब मनी में जो वाक़ा पेश आया उससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। बहुत से लोगों की जानें गई वहाँ पे, जो हादसा पेश आया, ऑक्सीजन की कमी थी या जो भी। ये जो हमारे साथ 4 लोग मौजूद हैं ये वहाँ से बच के आए हैं। वो जिन लोगों ने जो ब्लेम किया बर्फबारी को किया, कुछ लोगों ने हुकूमत को किया, या जिस भी चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है, ये लोग वहाँ से बच के आए। ये लोग भी वैसे ही वहाँ पे घूमने गए थे, तो आइए इनसे जानते हैं उस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, ये गए थे क्या हुआ था, और ये लोग वापस किस तरह से आ गए जहाँ पे इतने लोगों की, इतनी फैमिली, सब लोगों की मौत हो गई, वो लोग मर गए, तो ये लोग कैसे वापस बच के आए, इन्होंने ऐसा क्या किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं आप वहाँ पे कितने दिनों के लिए गए थे। हम तो गए थे 2-3 दिनों के लिए। तो क्या हुआ था वहाँ पे जब आप गए थे वहाँ पे, तब हालात ठीक थे? जी, जब गए थे वक्त हालात ठीक थे, एकदम से सडनली हालात खराब हुए हैं एकदम से। जब आप गए थे वहाँ पे तब स्नोफॉल इतनी ज्यादा नहीं थी? जी बिल्कुल। तो आप पूरा डिटेल में बताएं क्या हुआ था। जब हम यहाँ से निकले थे स्नोफॉल ठीक थी, जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं, जब हमने एक दिन का स्टे किया तो उसके बाद स्नोफॉल ज्यादा हो गई, हालात खराब होना स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे। तो फिर रहना तो था, हमने हमारा रूम बुक था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा एंजॉय भी किया। जैसे हालात खराब होना स्टार्ट हुए तो फिर हमने कहा कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए। कितने दिन आप वहाँ पे रहे जब तक सब ठीक था? हम 4 दिन, 4 या 5 दिन। तो आप वापस क्यों आ गए शहर में? तो आपके सामने हालात खराब होना स्टार्ट हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, तो फिर इसी वजह से हमने वापस जाना है। ऊपर से घर का प्रेशर था कि कॉल पे कॉल आई जा रही थी कि वापस आओ वापस आओ। तो आप मुझे ये बताओ, जिस टाइम पे आप लोग गए थे आपने कितने में वहाँ पे रूम लिया था रहने के लिए? वहाँ तो रूम 10,000 रुपये का था जब हमने लिया था। उसके बाद मतलब जब बर्फबारी हुई ना, तो उसके बाद वो 20-25,000 रुपये का थे पर हेड, मतलब के एक दिन का 25,000 रुपये ले रहे थे उसके। इसलिए अशिया मतलब के वो होटल बड़े महंगे थे उसके थे, और मालकान ने मतलब के बर्फबारी हुई तो मालकान ने रेट अपने ज़्यादा कर दिए, तो ये इसलिए हमने मतलब के वापसी आने का मतलब के जो अशिया वो होटल बहुत महंगे थे उसके थे, अशिया भी बहुत महंगी थी और हमारे फोर्ट से मतलब के बहुत दूर थी, इसलिए हमने वापस आने का फैसला किया। तो जिस टाइम पे आपने ये डिसीजन लिया कि आपको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि स्नोफॉल ज्यादा हो गई थी, प्राइसेस भी ज्यादा हो रही थी, तो आप मुझे ये बताओ, अभी काफी से लोगों की डेथ होगी, फैमिलीज भी थी, फ्रेंड्स भी थे, सब कुछ था, लोगों की मौत होगी, तो आप मुझे ये बताओ जिस टाइम पे आप वहाँ पे थे वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ की सिचुएशन को देख के यहाँ पे मजीद इस तरह का कुछ हो सकता है? नहीं, वो अब तो हालात जब हम गए तो अब तो हालात ठीक थे, मतलब कि जब बर्फबारी हुई ना तो उसके बाद हालात खराब हो गए और मतलब रश बहुत ज़्यादा हो गया था, और वहाँ हमने गाड़ी उधर लगाई थी उसके थे, और मजीद बर्फबारी और ज़्यादा हो रही थी उसके थे, और वहाँ मतलब कि अफरा तफरी में पड़ गई थी, और लोग यही कह रहे थे कि हम अपनी जान बचाए उसके थे और निकले उसके थे, और यही कहेंगे कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी उधर, और लोग हीटर की वजह से मौत हो गई लोगों की ज़्यादातर। तो वहाँ पे क्या कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इंतजामिया नहीं थी वहाँ पे जिसकी वजह से लोगों ने जो गाड़ी में हीटर्स लगाए थे लोग बाहर ही निकले, ऑक्सीजन कम हुई और उनकी डेथ हो गई? मतलब के रश इतना ज्यादा था, आवाम मतलब के आगे जाने नहीं दे रही थी ट्रैफिक वार्डन को, जाहिर बात है रश खत्म होना था तो वार्डन ने भी आगे जाना था, जाहिर बात है एम्बुलेंस भी जाना आगे जाती थी, मतलब के लोगों को बचाना चाहती थी, मगर रश के बावजूद वो आगे ना जा सकी उसके थे, तो वाम भी रोड़ा डाल रही थी कि यार इनको बचाया जाए, उनके थे कोशिश बड़ी की लोगों ने, मगर यही है कि जो लिखी हो वो तो आके रहनी है उसके थे, बस यही है। आपने मुझे कहा कि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी वो बंद करने लग गए थे, तो जिस तरह आपने बताया ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, फिर आप किस तरह से वापस आए? हम तो वहाँ से निकले हैं कि आप तकरीबन लगा लें हम अपने होटल से निकले हैं, तो हमने पैदल चलना स्टार्ट किया, तो पैदल चलते चलते हमने कोई 5-6 घंटे का सफर तय किया। आप पैदल के चले वहाँ पे, क्या कोई सिचुएशन इतनी खराब थी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था कि आप कोई गाड़ी या कुछ भी लेके आप आ सकते? नहीं, सिचुएशन खराब तो थी, लेकिन वहाँ पे जो लिफ्ट दे रहे थे ना वो तो लिफ्ट नहीं दे रहे थे, वो समझ लें कि जैसे यहाँ पे रिक्शे वगैरह चलते हैं ना तो वैसे चल रहे थे, वो 1-2 किलोमीटर का 1,000-1,000 रुपये मांग रहे थे। सिर्फ सिचुएशन खराब होने की वजह से फायदा उठाते जी, वो फायदा उठाते हुए तो फिर हमने कहा तो एक ही हम 4 थे और 4,000 रुपया वो मांगना, तो जाना भी इतनी दूर नहीं था, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो फिर आगे उसने उतार देना था, आगे से फिर बैठना था, तो इसकी वजह से हम अकेले नहीं, काफी लोग थे जो हमारे साथ चल रहे थे पैदल चलते तो उसके बाद हमने वहाँ से होटल से निकले तो पैदल चलना स्टार्ट किया, तो पैदल चलते चलते हम दिल्ली तक पहुँचे।
अच्छा आप पीबी से इस्लामाबाद तक पैदल गए? मड़ी से इस्लामाबाद तक पैदल गए। आपने ये कितने घंटों का सफर पैदल तय किया? ये कोई 5.5-6 घंटे। यहाँ पे मैं सबसे जो मेन बात है वो ये कहूँगी, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ ये हमारी इंसानियत का हम ये हक अदा कर रहे हैं कि जब हम देखते हैं कोई मुश्किल में है, बजाय कि वो लोग जो भी थे वो इनको फ्री में लेके जाते हैं, जिस तरह से हालात खराब हो रहे थे, जान का खतरा था, वहाँ पे अपना अपने पैसों का लालच सोचा कि यार यहाँ पे मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, उनको तो जरूरत है, वो लोग पैसे देंगे और मैं चला जाऊंगा। ये हमारी इंसानियत है और हम इंसान होने का ये हक अदा करते हैं। अच्छा आप इतना पैदल चले, दिन का टाइम था या रात का? दिन का टाइम था, सुबह निकले थे हम, सुबह हम निकले थे 11 बजे, शायद 11:30-11 बजे। तो स्नोफॉल में आप पैदल चलते हैं? जी स्नोफॉल में हम पैदल चलते, नहीं जब हम निकले थे तो अब तो धूप निकला ही थी, स्नोफॉल कम हो गई थी, तो फिर हम पैदल चलते थे। तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप आगे भी जाके थोड़ा सा आगे जाके कोई आपकी हेल्प करता या कुछ भी? नहीं, हेल्प का तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, पर सब थे ऐसे ही परेशान। तो जिस टाइम पे आप वहाँ पे थे वहाँ पे किसी की मौत हुई या जिस तरह से आपके आने के बाद जो हालात खराब हुए उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा कुछ था या आपको लग रहा था कि मजीद यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह से आप सब कुछ वहाँ पे हुआ है बाद में? जिन दोस्तों से आप रास्ते में मिले फिर आपने देखा कि आपने वीडियो देखी उनकी कोई कि उनकी मौत हो गई है, वो आप उनसे कहाँ पे मिले? हम उनसे मिले थे होटल में, हम खाना खाने गए थे तो वो साथ वाले टेबल बैठे हुए थे, उनसे बात अच्छी बातचीत हुई हमारी उनके साथ, तो फिर हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्होंने नंबर एक्सचेंज वगैरह हुए, तो वो कह रहे थे कि हम भी आपको मिलेंगे कल, आप इस टाइम इधर आना, तो सडन जब पता चला कि उनकी मौत हो गया। वो जब आपको पता चला कि उसकी मौत हो गई, आप यहाँ पे आ गए थे या वहाँ पे ही थे? नहीं हम वहीं पे थे जब हमें पता चला उनकी मौत हो गई, तो हम आए के ऐसे फॉर्म फिर नीचे से जमीन ही निकल गई। तो लोग इतनी खराब सिचुएशन के देखने के बाद भी वहाँ पे आगे जा रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे? लोग आपको पता है पाकिस्तानी अवाम, हम भी उनमें शामिल हैं, जो आपको पता ही है जैसे वो लोग हैं हमारे, वो एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों से, हालांकि ये चीज़ इतनी खतरनाक हो गई थी वहाँ पे। तो वही तो कह रही, मतलब वहाँ के लोगों की उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब वो देख रहे थे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नहीं निकलना चाहिए, उसके बाद भी वो जाके इन्जॉय करना चाह रहे थे? क्योंकि वो लोग फंसे हुए थे, ना वो आगे जा सकते थे ना वो पीछे आ सकते थे, उनकी मजबूरी थी कि उनको ट्रैफिक में ही रहना पड़ा, इसी वजह से वो लोग ना आगे जा सकते थे, वो फिर बेचारे क्या करते। तो हम जब खाना खा के निकले तो अपने रूम की तरफ गए थे, तो हम सुबह 11 बजे निकले हैं, तो वो हम जा रहे थे और रस्ते में लोगों ने शोर मचाया, तो ये देखे डेथ हो गई। हमने जब वो आगे जाके देखा तो वही 4 दोस्त है जो हमें होटल में मिले हैं, तो उनकी डेथ हो गई, तो हमारे तो जमीन से नीचे वो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, तो फिर हम वहाँ से अपने बैग पकड़े तो हम चले तो लाहौर की तरफ रवाना हो। अच्छा जब आपने उनको देखा कि उनकी मौत हो गई जो आपसे सुबह मिले थे, उसके बाद आपने वहाँ से वापस आने का फैसला किया? जी हाँ, जब हम खाना खाने के लिए होटल की तरफ रवाना हुए तो वो हमारे साथ वाले टेबल पे जब हमने ऑर्डर दिया खाने का, तो वो भी फ्रेंड आ गए हमारे, तो वो साथ वाले टेबल पे बैठे हुए थे, तो हमारी ना बातचीत वगैरह हुई, तो नंबर एक्सचेंज हुए, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी उनके साथ। तो जब वो गाड़ी लेके जाने लगे तो हमने भी उनसे मिला, वो भी हमसे मिले, हम अपने होटल की तरफ चले गए, वो गाड़ी लेके चले गए। तो जब सुबह वापस हमने घर आने का फैसला किया करना था, तो बाहर देखा आवाम का बहुत हजूम था, तो जाके पास देखा तो वो ही 4 फ्रेंड थे जिनकी डेथ हुई थी, तो हमें जाके देखा तो हम परेशान हो गए, हम बहुत अफसोस हुआ उन 4 फ्रेंड का। अल्लाह पाक उनको सब, उनके घर वालों को, उनके जितने भी दोस्त हैं सबको सब्र अता फरमाए। तो बाद फिर हमने वो वहाँ से परेशानी के आलम से अपने बैग पैक किए और लाहौर की तरफ पैदल चलते हुए लाहौर की तरफ आ गए। आपने जो भी वहाँ पे सारी सिचुएशन थी आपने वो भी देखे, जिनसे आप मिले थे उनकी भी मौत हो गई, उसके बाद आपको क्या लग रहा था कि आप लोग इजीली घर तक वापस पहुँच जाएंगे? नहीं, इजीली तो नहीं पहुँच सकते थे, हमें खुद डर लगने लग गया था, तो उसकी वजह से हमने फिर वहाँ से निकलना चाहा, तो उसकी वजह से यही हुआ था कि बड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ पे रहना। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की कहानी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।